So hello friends. Now friends, we were seeing the very first lesson of class 3rd math. और उसमें हम देख रहे थे हमारा 14th question. Okay? Last video में हमने 13th question solve कर लिया. So today we will start with the 14th question. And our 14th question is, arrange the following numbers in increasing order. Arrange the following numbers in increasing order. यानी यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्टार्टिंग में आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे. ओके, स्टार्टिंग में आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, और ऐसे ऐसे करते हैं एंड में आपके पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा. तो सबसे छोटे नंबर से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, देन इस नंबर से और एक बड़ा नंबर, इसके बाद और एक बड़ा नंबर, और एंड में आपको सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा. तो इस ऑर्डर को हम बुलाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. और इसे ही उल्टा कर दो, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, और एंड में सबसे छोटा. तो इस उल्टी ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बुलाएंगे. ऐसे जा रहे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे आ रहे हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहां पे हमें इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. और यहां जो नीचे 15th क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट नंबर. यहां फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन फाइव नंबर, सिक्स नंबर्स हैं. The first number is 169, then 93, 690, 39, 961, and 796. ये six numbers हमारे पास, okay? 169, 93, 619, 39, 961, और last number कौन सा है? Last number है 196. वेरी गुड. नाउ इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है. सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा. सो अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे 39 एंड 93 ये दोनों टू डिजिट नंबर्स हैं. ये दोनों टू डिजिट नंबर्स एंड टू डिजिट नंबर्स थ्री डिजिट नंबर्स से हमेशा स्मॉलर होते हैं, यानी छोटे होते हैं. बट 39 और 93 इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? बिकॉज सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा. तो सी टू डिजिट नंबर्स में क्या चेक करना है? टेंथ प्लेस. तो यहाँ टेंथ प्लेस पे 9 है एंड यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 3 है. एंड 9 और 3 में से 9 ग्रेटर है एंड 3 स्मॉलर है. दैट मीन्स 39 छोटा होगा और 93 उससे ग्रेटर है. तो पहले हम 39 को लिखेंगे और उसके बाद 93 को लिखेंगे, करेक्ट? तो 39 सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर 93. तो हमने दोनों स्मॉल डिजिट नंबर्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया. अभी इन बाकी के हमें थ्री डिजिट नंबर्स को देखना है. तो अगेन क्या करना है? छोटे से बड़े नंबर तक जाना है. तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो अगेन ये थ्री डिजिट नंबर है. तो थ्री डिजिट नंबर्स में क्या करना है? सी द हंड्रेड्स प्लेस. इन तीनों में, इन चारों में हंड्रेड्स की प्लेस को देखो. तो यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस पे 9 है, यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस पे 6 है, यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस पे 1 है, और यहाँ भी हंड्रेड्स की प्लेस पे 1 है. तो 1 है 1691. ओके, 1691. तो 1691 में से, ओके, 169 एंड अगेन 1. तो इन तीनों में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? तो 1 स्मॉलेस्ट है. दैट मींस 169 एंड 196 ये दोनों इन दोनों नंबर से स्मॉलेस्ट होंगे, यानी छोटे होंगे. बट अगेन इन दोनों नंबर्स में से सबसे छोटा कौन है? तो 169 स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर है, या 196 स्मॉलर है.
ओके 169 छोटा है या 196 छोटा है। तो सी अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के हंड्रेड प्लेस सेम है, दैट इज वन। तो जब हंड्रेड प्लेस सेम हो क्या चेक करनी है, टेंथ प्लेस। तो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे है सिक्स और यहाँ पे टेंथ प्लेस पे है नाइन, तो सिक्स छोटा है यानी 169 ये स्मॉलर होगा एंड 196 ये बड़ा होगा। तो हमने इस तरह फोर नंबर्स को तो अरेंज कर दिया। अभी जस्ट दो नंबर्स बचे हैं, तो अगेन इन दोनों नंबर्स में हंड्रेड्स की प्लेस को देखो, यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे सिक्स है एंड यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे नाइन है। तो सिक्स छोटा होगा इसलिए उसे हमने पहले राइट डाउन किया और नाइन बड़ा है इसलिए उसे बाद में राइट डाउन करेंगे। तो इस तरह जो हमें सिक्स नंबर्स दिए थे उन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ये सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद ये उससे बड़ा, 93 से बड़ा नंबर 169, 169 से ग्रेटर नंबर 196, 196 से ग्रेटर नंबर 690 एंड 619 से ग्रेटर नंबर 961। तो इस तरह हमें ये जो सिक्स नंबर्स दिए थे इन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। सिमिलरली हम इन सिक्स नंबर्स को अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो क्या है नंबर्स, 375, 735, 537, 75, 37 एंड 307। ओके 375, 735, 537, 75, 37 एंड 307। तो इन तीनों इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ओके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, बिकॉज जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। सो अगर आप देखें 75 एंड 37 दे आर टू डिजिट नंबर्स, ये दोनों टू डिजिट नंबर्स हैं एंड टू डिजिट नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन थ्री डिजिट नंबर्स। टू डिजिट वाले जो नंबर हैं वो थ्री डिजिट नंबर्स से हमेशा छोटे होते हैं। तो 75 और 37 ये दोनों छोटे हैं, तो इन चारों के पहले तो हम इन्हीं दो को राइट डाउन करेंगे। बट अगेन दोनों में से पहले किसे राइट डाउन करें, तो जो छोटा है यानी जो स्मॉलेस्ट है वो पहले लिखेगा, उसे हम पहले लिखेंगे। सो अमंग 37 एंड 75 विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट और विच नंबर इज द स्मॉलर, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो टू डिजिट नंबर्स में क्या चेक करनी है, टेंथ प्लेस। तो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे सेवन है और यहाँ पे टेंथ प्लेस पे थ्री है, तो सेवन और थ्री में से थ्री स्मॉलर है। सो इसलिए 37 छोटा होगा इसलिए हम उसे पहले राइट डाउन करेंगे एंड 75 उससे ग्रेटर है यानी उससे बड़ा है तो उसे बाद में राइट डाउन करेंगे। तो हमने इन दोनों नंबर्स को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अभी बाकी रिमेनिंग फोर नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगेन ये जो रिमेनिंग फोर नंबर्स हैं इन्हें चेक करो, इनमें से जो नंबर स्मॉलर होगा वो पहले लिखा उसे पहले लिखेंगे और जो नंबर्स ग्रेटर होंगे यानी बड़े होंगे उन्हें हम बाद में लिखेंगे। तो अगेन दीज आर ऑल आर थ्री डिजिट नंबर्स, ये चारों के चारों थ्री डिजिट नंबर्स हैं। तो सी द टेंथ प्लेस, सॉरी सी द हंड्रेड प्लेस, थ्री डिजिट नंबर में क्या चेक करनी है, इनकी हंड्रेड प्लेस। यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे थ्री है, यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे सेवन है, यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे फाइव है और यहाँ पे अगेन हंड्रेड प्लेस पे थ्री है। तो 375 एंड थ्री, ओके 375 और अगेन क्या है थ्री। तो 375 में से कौन सा नंबर स्मॉल है, सो थ्री स्मॉल है, दैट मीन्स 375 एंड 307 ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से स्मॉलर है, ओके बिकॉज इन दोनों के हंड्रेड प्लेस पे कौन सा नंबर है थ्री और थ्री 7 और 5 से छोटा होता है यानी स्मॉलर है, इसलिए 375 और 307 यानी 307 ये दोनों छोटे हैं। बट अगेन इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है, तो इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा बिकॉज उससे पहले राइट डाउन करना है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इस नंबर में और इस नंबर में दोनों नंबर्स में हंड्रेड की प्लेस पे 3 है, तो जब हंड्रेड की प्लेस सेम हो तो टेंथ की प्लेस देखो
यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 7 है और यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 0 है। 7 और 0 में से कौन सा नंबर स्मॉलर है? 0, यानी 307 स्मॉलर होगा एंड 375 उससे ग्रेटर होगा। तो 307 को पहले राइट डाउन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 375, तो ये दोनों नंबर्स भी होगा। अभी जस्ट 735 एंड 537 बच गए, तो अगेन दोनों की हंड्रेड प्लेस को चेक करो। यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे है 7 एंड यहाँ पे है हंड्रेड प्लेस पे 5। तो अमंग 7 एंड 5 कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड विच नंबर इज स्मॉलर? सो 5 इज ग्रेटर, 5 स्मॉलर एंड 7 इज ग्रेटर। 5 छोटा है और 7 ग्रेटर है, तो 535 को पहले राइट डाउन करेंगे एंड 735 को बाद में राइट डाउन करेंगे, बिकॉज 5 स्मॉलर है इसलिए वो पहले आ गया, 7 ग्रेटर था यानी बड़ा था इसलिए वो बाद में आ गया। तो सी में अगेन हमें जो 6 नंबर्स दिए थे उन सारे 6 नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर नंबर, फिर अगेन इससे ग्रेटर और एंड में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर। अगेन ये जो ई क्वेश्चन है इसमें जो 6 नंबर्स है उसे अगेन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और ये जो 3 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जिन्हें आपको सॉल्व करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो यहाँ वो 3 नंबर्स कौन से हैं, सॉरी 6 नंबर्स कौन से हैं, 468, 864, 446, 648, 846 एंड 668। तो हमारे पास ये 6 नंबर्स हैं, तो 468, 864 एंड 446, 648, 846 और लास्ट नंबर कौन सा है, 668, करेक्ट। ना अभी क्या करना है, सबके सब 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो जब 3 डिजिट नंबर्स हो तो टेंस की प्लेस हंड्रेड्स की प्लेस को चेक करो। तो यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पे 4 है, यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे 8 है, यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे 4 है और अगेन यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे 6 है, यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे 8 है और यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे 6 है। 4 8 4 6 8 6, ओके 4 8, अगेन 4 आ रहा है और 6 है, अगेन 8 है और अगेन 6 है, यानी हंड्रेड्स की प्लेस पे 4 6 और 8 यही नंबर्स हैं। तो अमंग 4 6 एंड 8, तो 4 6 8, 4 6 8 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, सॉरी स्मॉलर नंबर कौन सा है, बिकॉज जो नंबर स्मॉलर होगा उसे हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। सो 4 स्मॉलर है, दैट मीन्स 468 एंड 446, ये दोनों जो नंबर है वो स्मॉलर होंगे यानी छोटे नंबर है। बट अगेन इन दोनों में से सबसे स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ओके इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की हंड्रेड्स की प्लेस सेम है, तो अगर हंड्रेड्स की प्लेस सेम है सी द टेंथ प्लेस, तो यहाँ टेंथ प्लेस पे 6 है यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 4 है, तो 6 और 4 में से कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो 4 स्मॉलर है, दैट मीन्स That means 446 smaller है या सबसे smallest यानी सबसे छोटा है and 468 उससे greater है, तो इसलिए इस number को इसके बाद में write down करेंगे, okay? तो ये दो numbers तो हो गए। अभी चलो check करते हैं remaining 4 numbers। तो अगेन इनके hundreds की place को check करो, तो यहाँ hundreds की place पे या तो 6 है या फिर 8 है। समंग 6 एंड 8 कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो 6 इज स्मॉलर, यानी 648 एंड 668, ओके 648 एंड 668, ये दोनों नंबर्स इन दोनों नंबर्स से स्मॉलर होंगे। बट अगेन इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, तो सी द टेंथ प्लेस, बिकॉज यहाँ पे दोनों की हंड्रेड प्लेस सेम है, यहाँ पे टेंथ प्लेस पे है 4 यहाँ पे है टेंथ प्लेस पे 6। समंग 4 एंड 6
विच नंबर इज स्मॉलर, 4 और 6 में से कौन सा नंबर छोटा है? तो 4 छोटा है, इसलिए 648 को राइट डाउन करेंगे पहले, बिकॉज ये स्मॉलर है एंड 668 ग्रेटर है, तो इस नंबर को इसके बाद में राइट डाउन करेंगे। तो ये दोनों भी हो गए, अभी जस्ट ये दोनों नंबर्स लेफ्ट हैं, बट अगेन इनकी 100th प्लेस सेम है, दैट इज ई। अभी चेक करो 10th प्लेस, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे है 6 और यहाँ पे 10th प्लेस पे है 4, तो दोनों में से स्मॉलर कौन है? 4 स्मॉलर है, यानी 846 इज स्मॉलर देन 864, 846 864 से छोटा है, इसलिए 846 को पहले राइट डाउन करेंगे और 864 को बाद में। तो इसी तरह ई में जो हमें 6 नंबर्स दिए थे उन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, एंड सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और ऐसे उससे ग्रेटर नंबर करके एंड में आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है ना। उसी तरह आपको ये तीनों क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और इन्हें सॉल्व करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। सो थैंक यू।